हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अब वो केस देखना है जहां पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर अलग अलग मीडियम में हो, तब क्या होगा। जैसे मान ले बेटे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहां पर हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। यहां पर हमारा कौन है? ऑब्जर्वर है। अब इन दोनों के बीच में बहुत दूरियां हैं, ऐसे बीच में बहुत सारे अलग अलग मीडियम है। मान लेते हैं कि ये जो मीडियम है पहला वाला, इस मीडियम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो एन नॉट है। कितना है? एन नॉट। और ऑब्जर्वर की यहां से जो दूरी है, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो यहां से दूरी है वो है टी ओ। ओ मतलब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये टी ओ और एन ओ हो गया, ठीक है। फिर इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ये हो गया टी वन और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन वन। फिर ये मीडियम जो है इसकी थिकनेस टी टू है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन टू है। ऐसे बहुत सारे मीडियम हुए। फिर आखिरी में जो बात करें, आखिरी में जो जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपन लिख रहे हैं NOBS, है ना। NO अलग है और NOBS अलग है। NO मतलब ऑब्जेक्ट, जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और NOBS मतलब जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। और मान लेते हैं यहां से जो ऑब्जर्वर की दूरी है वो कितनी है, टी ऑब्जर्वर। कितनी है? टी ऑब्जर्वर। ऑल राइट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर को वहीं पर दिखेगा या कहीं और दिखेगा? कहीं और दिखेगा, इसकी चर्चा हम कल कर चुके थे, याद करें, ठीक है, याद करें आप। अलग अलग बीच में मीडियम आ जाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा शिफ्टेड नजर आता है। लेकिन इस वाले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों ही एयर में थे, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट अलग मीडियम में है और ऑब्जर्वर अलग मीडियम में है। तो इस केस में अगर हमको ऑब्जेक्ट की इमेज का फाइनल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ऑब्जर्वर से, है ना, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है आप ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूले में सबसे पहले अपन लिखते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। उसके बाद पहले में देखो, पहले मीडियम में जो थिकनेस है टी नॉट है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन नॉट है, तो टी नॉट बाय एन नॉट प्लस, दूसरे मीडियम की बात करें, दूसरे मीडियम की थिकनेस टी वन है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन वन है, तो T1 by N1, फिर अगले की T2 by N2, चलते चले जाएंगे, कहां तक पहुंच गए, ऑब्जर्वर तक पहुंच गए। तो ऑब्जर्वर वाला जो मीडियम है वहां पे हम क्या लिखेंगे, टी ऑब्जर्वर अपॉन में एन ऑब्जर्वर। तो ध्यान से आप देखें कि ये जो फॉर्मूला है ये हमको शिफ्ट नहीं दे रहा है, ये शिफ्ट नहीं दे रहा है, ये क्या दे रहा है हमको, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अगर हम इन सारे डिस्टेंसेस में से इसको माइनस कर देंगे तो शिफ्ट भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमको ये ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों अलग अलग मीडियम में हो तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। इस फॉर्मूले को आप नोट कर ले, फिर अपन इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखते बेटे। नोट किया आपने, आइए अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में तीन लिक्विड भरे हुए हैं, पहला लिक्विड येलो कलर का है, दूसरा लिक्विड ब्लू कलर का है और तीसरा लिक्विड ग्रीन कलर का है। मतलब एक्चुअली में यहां पर अलग अलग कलर से बनाए हैं ताकि आपको डिफरेंशिएट हो सके, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। यहां पर तो हमने अलग अलग कलर बनाए हैं ताकि डिफरेंशिएशन हो सके, ऑलराइट, दिख सके आपको लिक्विड की तीन, हाँ अलग अलग लिक्विड है। पहले वाले लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 1.5 है, ऐसा हमको दे रखा है। और ये सारे लिक्विड्स कितनी डेप्थ में भरे हैं वो भी दे रखा है। अब नीचे हमने बॉटम पे एक कॉइन रख दिया, क्या रख दिया, कॉइन, और हमसे बोला जा रहा है कि अगर ऊपर से इस कॉइन को देखें तो डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज ऑफ द कॉइन ठीक है, मतलब ऑब्जर्वर को कॉइन कहां दिखाई
देगा वो हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो आप खुद सोचें कि ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये आंख क्या हो गई, ऑब्जर्वर हो गई। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों डिफरेंट मीडियम में है, ये बात हमको क्लियर हो चुकी है। तो हमको पता है कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमको लगाना है डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज जो है वो होगा एन किसका, ऑब्जर्वर का, इंटू टी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस टी वन बाय एन वन प्लस टी टू बाय एन टू प्लस टी ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जर्वर। हमको ये फॉर्मूला तो क्लियर हो चुका है कि ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमको ये बात क्लियर हो चुकी है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों डिफरेंट मीडियम में हैं। अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर तो भाई साहब कहां पर है, एयर में है ना, और एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन है, तो क्या ले लें यहां पर वन। टी नॉट ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, 1.5 वाले, और इस मीडियम की थिकनेस कितनी दे रखी है 12, तो क्या लिखेंगे यहां पे 12 अपॉन में 1.5 प्लस दूसरा वाला मीडियम जो है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 है और थिकनेस 10 है, तो 10/2 प्लस तीसरा वाला जो है उसकी थिकनेस कितनी है 30 है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है बेटे 1.5 है, प्लस ऑब्जर्वर जो है वो एयर में है और ऑब्जर्वर जो है उसकी आंख लिक्विड के बहुत करीब है, यानी कि ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है वहां पर ऑब्जर्वर की मीडियम बाउंड्री से थिकनेस जीरो है, तो जीरो अपॉन में वन। अपन ने जीरो क्यों लिया यहां पे, क्योंकि अपन ये मान रहे हैं कि ऑब्जर्वर दूर मौजूद नहीं है, ऑब्जर्वर बहुत करीब है। जैसे मान लो अगर ऑब्जर्वर यहां होता तो अपने को ये डिस्टेंस भी लेना पड़ता, लेकिन ऑब्जर्वर यहां नहीं है, ऑब्जर्वर तो लिक्विड के बहुत करीब है, तो वो डिस्टेंस अपने आप क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहां से हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 अपॉन में 1.5 यानी कि 12 अपॉन में 3 और बाय 2, 2 कहां गया ऊपर, 10/2 कितना हो गया बेटे 5, 30, 1.5 कितना होता है 3/2 और 2 का चले जाएगा बेटे ऊपर, बहुत बढ़िया। तो D कितना आया 1, 3 1 जा 3 होता है, 3 4 जा 12 होता है, तो 4 2 जा 8 हो गया प्लस 5 हो गया बेटे, 3 1 जा 3 होता है और 3 10 जा 30 होता है, 10 2 जा 20 होता है, तो 28 प्लस 5 33, 33 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारे ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियलिटी में ऑब्जेक्ट कहां मौजूद है, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 12 52 सेंटीमीटर की गहराई पर मौजूद है, लेकिन उसको दिख कहां रहा है, दिख उसको 33 पर रहा है ना। ऑब्जेक्ट 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 12 52 सेंटीमीटर की गहराई पर है, लेकिन दिख कहां रहा है 33 पर, समझना बात को। यहां पर है कितनी गहराई पर 52 सेंटीमीटर, कितनी 52 सेंटीमीटर, और दिख कहां रहा है, दिख रहा है यहां से 33, यानी कि यहां से हम शिफ्ट निकाल सकते हैं, शिफ्ट कितनी हो जाएगी 52 - 33 यानी कि 19 सेंटीमीटर, तो शिफ्ट भी आ गई। हालांकि शिफ्ट पूछी नहीं है उसने, उसने डिस्टेंस पूछा था, हमने डिस्टेंस निकाल दिया, लेकिन यहां से हम शिफ्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आप इसको नोट कर ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। किया नोट बेटा, बढ़ते हैं आगे। आइए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, मैं चाहता हूं 2 मिनट देके आप इसको ट्राई करें, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। 2 मिनट आप इस क्वेश्चन को दें, पॉज करके और ट्राई करें। ठीक है, आइए अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। हमको बोला है कि अपेरेंट डेप्थ ऑफ बॉटम ऑफ वेसल, तो ये वेसल है, इसमें 2 लिक्विड भरे हैं, कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है। यहां पर बस हमको ऑब्जेक्ट किसको मानना है, वेसल के बॉटम को ही क्या मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो, वेसल के बॉटम को ही क्या मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो। तो हम इस वेसल के बॉटम को ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो हम यहां पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, डी इज इक्वल टू एन ऑब्जर्वर ब्रैकेट में टीओ बाय एनओ प्लस टी वन बाय एन वन प्लस, दो ही है मीडियम, फिर
ऑब्जर्वर आ गया तो टी ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जर्वर। ऑल राइट, तो ध्यान से देखो जो वेसल का बॉटम है वो किस मीडियम में है, टू रूट टू वाले, और जो बंदा है वो काय में है, एयर में है, यानी कि एन बराबर वन में है। तो यहां पर ऑब्जर्वर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन हो गया, सही बात है। टी नॉट यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो यहां पर है ना, यही तो ऑब्जेक्ट है हमारा, सरफेस, सरफेस की, सरफेस जिस मीडियम में है उस मीडियम की थिकनेस कितनी है, एच, तो एच अपॉन में उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, टू रूट टू प्लस टी वन, अगले मीडियम की थिकनेस कितनी है, एच, और उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रूट टू। अच्छा ऑब्जर्वर देखो, ऑब्जर्वर फिर से बहुत करीब है, ईयूआ, तो ये थिकनेस क्या हो गई, नियरली जीरो हो गई, तो जीरो बाय वन, क्योंकि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन है। तो टी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, कैसे, एच बाय टू रूट टू प्लस एच बाय टू रूट टू, तो आप टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो एच बाय टू रूट टू प्लस टू एच बाय टू रूट टू, है ना। यहां पर मैंने टू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है ताकि एलसीएम आप इजीली ले पाए, तो ये हो जाएगा थ्री एच बाय टू रूट टू। क्लियर है क्या बात बेटा, इसको आप नोट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट, नोटेड, नोट कर लिया आपने, चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। आइए प्रिज्म, प्रिज्म की बात करते हैं। तो प्रिज्म आप समझते हैं कि प्रिज्म में दो बार रिफ्रेक्शन होता है, समझना बात ध्यान से, मैं प्रिज्म की बात कर रहा हूं, इस तरीके का फिगर होता है, आपने देखा भी होगा इसको, ठीक है। मान लो कि ये इसका नाम है पी क्यू आर, क्या नाम है, पी क्यू आर। अब ये मैंने 2D में बनाया है, रियलिटी में तो 3D में होता है, कैसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, फिर आप मान लो ऐसा ऐसा, ये थोड़ा ढंग से बना ले इसको, ऐसा, और आप ऐसा मान लो ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर इन सरफेस को आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो ऐसा 3D स्ट्रक्चर होता है। अपन हालांकि इसके 2D पार्ट की बात कर रहे हैं, है ना, तो 2D में अपन इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, होता वो ऐसा 3D में है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको, पी क्यू और आर, बात ध्यान से सुनना, यहां से हम एक लाइट रे डाल रहे हैं ऐसे, पहली चीज ये चीज क्या हुई, ये चीज नॉर्मल हुई, इस सरफेस पर नॉर्मल हुई, और यहां से हमने एक लाइट रे डाली किस एंगल पर, आई एंगल पर, तो ये आई जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई जो है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई शक। अब मेरी बात सुनना, लाइट रे अंदर गई, यहां पर एक और नॉर्मल डालो, तो यहां पर दूसरी बार रिफ्रेक्शन होगा, क्योंकि पहली बार जो लाइट रे है वो बाहर वाले मीडियम से प्रिज्म में घुसी, अब प्रिज्म से बाहर वाले मीडियम में जा रही है, तो दूसरी बार रिफ्रेक्शन हुआ ऐसे मान लो, है ना, बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि वो डेंसर से रेयर में जा रही है, ऐसा अपन मान लेते हैं। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं ई, क्या बोलते हैं, ई, ई जो है ये कहलाता है एंगल ऑफ इमरजेंस, ई क्या कहलाता है बेटा, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब आप ध्यान से देखो, PQ और PR दो सरफेसेस हैं, जिन दो सरफेसेस में रिफ्रेक्शन हुआ है, तो उन दो सरफेसेस के बीच का जो एंगल है इसको बोला जाता है A, क्या बोला जाता है, A, A मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, A क्या है बेटे यहां पे, एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं इसको, या इसको रिफ्रेक्टिंग एंगल भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, इतना समझे आप बात, और सुने, ये जो एंगल है इसको मैं R1 बोल रहा हूं, और ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, R2। ऑल राइट, तो अगर मैं फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रेक्शन की बात करूं, रिफ्रेक्शन ऑन फर्स्ट सरफेस यानी कि PQ, तो मैं उसके लिए क्या रिलेशन लिख सकता हूं, समझते हैं।
मान लेते हैं कि प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एनपी है और सराउंडिंग का एनएस है, कितना है एनएस, तो क्या लिख सकते हैं, एन सराउंडिंग इंटू साइन आई बराबर एन प्रिज्म इंटू साइन आर वन। ऑल राइट, यहां पर अपन ने रिफ्रेक्शन लगाया है, आई और आर वन दोनों को नॉर्मल से नापा है, लाइट रे जो है वो सराउंडिंग से प्रिज्म में गई है। उसके बाद अगर अपन बात करें रिफ्रेक्शन ऑन पीआर, रिफ्रेक्शन ऑन पीआर तो वो क्या रिलेशन बनेगा, लाइट रे जो है वो जा रही है एनपी वाले मीडियम से एनएस वाले मीडियम में, तो आर टू जो है वो इस वाली सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे एक्ट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे अपन, एनपी इंटू साइन आर टू बराबर एनएस इंटू साइन ई, एनएस इंटू साइन ई। अरे ऑल राइट, तो जो रिलेशन में लिख रहा हूं ना ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है सारे, पहला ये रिलेशन आया, दूसरा ये आया, तीसरा रिलेशन जो निकाल रहा हूं इन दोनों को डिवाइड करके निकाल रहा हूं मैं, अगर आप इन दोनों को क्या कर दें डिवाइड कर दें है ना, तो एनएस एन एस साइन आई अपॉन में एनएस साइन ई, एनएस साइन ई इज इक्वल टू एनपी साइन आर वन, एनपी साइन आर वन डिवाइडेड बाय एनपी साइन आर टू, एनपी साइन आर टू। मतलब आप ऐसा समझो कि इस वाले रिलेशन को उल्टा कर दो और फिर दोनों को क्या कर दो डिवाइड, तो यहां आपको क्या दिखेगा, एनएस एनएस और एनपी एनपी कैंसिल होता हुआ दिखेगा, तो यहां आप एक और रिलेशन देख पा रहे हो, क्या रिलेशन, साइन आई बाय साइन ई बराबर साइन आर वन बाय साइन आर टू। ये छोटे छोटे रिलेशंस जो है हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हमको काम आते हैं कैलकुलेशंस में। अच्छा एक और चर्चा करें, ध्यान से देखो आप, ये पी क्यू आर तो हो गया, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं ए, और ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं बी, कोई शक, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल कितना दिख रहा है आपको, ये देखो ये नॉर्मल है, तो पूरा कितना हो गया 90, ये पूरा कितना हो गया 90 में से R1 घटा दिया तो ये एंगल कितना बचा 90 माइनस R1। ऑल राइट, और ये देखें ये एंगल कितना है 90 है ना, उस 90 में से R2 हटा दो तो ये कितना आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा आपका 90 माइनस R2, यहां लिख देता हूं मैं, ये कितना आ जाएगा 90 माइनस R2। तो अगर अपन ट्रेंगल पी ए बी को देखें, अगर अपन ट्रेंगल पी ए बी को ध्यान से देखें तो हम यहां से भी कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं, ये ए जो है ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, ये 90 माइनस R1 है, ये 90 माइनस R1 है, और ये कितना है 90 माइनस R2, और हमको एक बात पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो कितना होता है 180 होता है, तो A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 बराबर क्या कर देंगे 180 डिग्री कर देंगे, तो 90 और 180 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो R1 जब उधर जाएगा और R2 जब उधर जाएगा तो हमको रिलेशन मिलेगा A बराबर R1 प्लस R2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। तो हमने कुछ कुछ रिलेशंस निकाले, पहला रिलेशन दिखा आपको ये, पहली सरफेस पर रिफ्रेक्शन, फिर दूसरी सरफेस पर रिफ्रेक्शन, फिर दोनों को डिवाइड करके एक और फॉर्मूला हमको दिखा है, उसके बाद ये वाला A बराबर R1 प्लस R2। तो ये प्रिज्म का बेसिक हमने स्टडी किया है, समझा है कि प्रिज्म में क्या क्या होता है, दो बार रिफ्रेक्शन होता है, एक बार इस सरफेस पे होता है, एक बार इस सरफेस पे होता है, जिन दोनों सरफेस के बीच रिफ्रेक्शन हो रहा है उन दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। इस सरफेस पे रिफ्रेक्शन हो रहा है, इस सरफेस पे रिफ्रेक्शन हो रहा है, तो दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रेक्टिंग एंगल। प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एनपी माना है, सराउंडिंग का एनएस माना है, तो हमने कैसे इक्वेशंस बनाई बेटे, पहली बार हमने यहां पर रिफ्रेक्शन करवाया, दूसरी बार हमने यहां पर रिफ्रेक्शन करवाया, फिर दोनों को डिवाइड करके एक और रिलेशन बनाया, तीसरी चीज क्या करी अपन ने, इस ट्रायंगल को देखा और इस ट्रायंगल से कंक्लूजन निकाला ए बराबर आर वन प्लस आर टू। आप अच्छे से देख लें फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
तो हो गया नोट बेटे। चले आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म में हम डिविएशन की बात करते हैं, समझते हैं बात को। जैसे हमारा ये प्रिज्म था, ये हम चीज पढ़ चुके हैं, ये हमारा प्रिज्म है, अभी अभी हमने देखा है, ये है हमारा आई, फिर लाइट रे यूं गई, फिर दूसरा नॉर्मल यहां पर वापस से रिफ्रेक्शन हुआ, यूं चले गई, ये है हमारा ई। तो ये चीज तो हम देख चुके हैं। ये एंगल क्या होता है, ये एंगल आर वन होता है, ये एंगल आर टू होता है, ये ए होता है, कितना हम लोग देख चुके हैं। अब हमको जो देखना है वो डिविएशन देखना है, समझते हैं डिविएशन। तो देखिए बेटे, लाइट रे का जो पाथ था वो ऐसा था, ऐसा ऐसा और फिर ऐसा। तो पहली बार लाइट का डिविएशन यहां पे हुआ है और दूसरी बार लाइट का डिविएशन यहां हुआ है, यानी कि लाइट का दो बार डिविएशन हुआ है, ठीक है। तो नेट डिविएशन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू होगा। तो हम दोनों डिविएशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहली बार देखें इस इंसिडेंट रे को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे करके ऐसे चले गई, तो कितना खसक गई अपने रास्ते से, डेल्टा वन खसक गई। सही बात। फिर इस लाइट रे को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे हो गई, यानी कि अपने रास्ते से यह भटक गई, कितने एंगल से, डेल्टा टू। तो जो नेट डिविएशन होगा, डेल्टा नेट, वो क्या होगा बेटे, डेल्टा नेट होगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, दोनों डेल्टा का सम ही नेट डिविएशन होगा। ऑल राइट, तो हम देखते हैं दोनों डिविएशन, डेल्टा वन भी देखते हैं, डेल्टा टू भी देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो डेल्टा वन को, तो क्या मैं बोल सकता हूं डेल्टा वन प्लस आर वन जो है वो आई के बराबर होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, डेल्टा वन प्लस आर वन मस्ट बी इक्वल टू आई। सही बात है, जो ये एंगल है वही ये पूरा एंगल होना चाहिए। तो यहां से डेल्टा वन निकल के आ गया हमारा पास कितना, आई माइनस आर वन। और सेंस भी देख लेते हैं, लाइट रेको जाना ऐसे था, गई ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज घूम गई, तो चुपचाप क्या लिख लेते साथ में अपन, सेंस। सेंस कैसा है, डिविएशन का क्लॉकवाइज। डेल्टा टू अगर दूसरा डिविएशन देखें, तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं कि ये जो एंगल है ये e माइनस डेल्टा टू है, और e माइनस डेल्टा टू किसके बराबर होगा, आर टू के। तो सेकंड कंडीशन में अपन क्या लिख सकते हैं, e माइनस डेल्टा टू मस्ट बी इक्वल टू आर टू। तो यहां से हमको डेल्टा टू कितना मिला, डेल्टा टू मिला e माइनस आर टू। और सेंस देख लेते हैं, सेंस जाना ऐसे था, घूम ऐसे गई क्लॉकवाइज, तो सेंस क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो यहां तक आपको बात क्लियर है, डेल्टा वन भी निकाल लिया और डेल्टा टू भी निकाल लिया। तो डेल्टा नेट निकालते हैं बेटे, डेल्टा नेट जो है वो होगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। डेल्टा वन कितना है बेटा, आई माइनस आर वन है, और डेल्टा टू कितना है, ई माइनस आर टू। तो ये हो जाएगा डेल्टा नेट, डेल्टा नेट बराबर आई प्लस ई, और माइनस में कॉमन ले रहा हूं आर वन प्लस आर टू। ध्यान से देख लें आप, ध्यान से देख लें बेटा, आई प्लस ई कर दिया और माइनस कॉमन निकाल के आर वन प्लस आर टू कर दिया। और हम पढ़ चुके हैं अभी अभी कि R1 प्लस R2 कितना होता है, A होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो R1 प्लस R2 की जगह हम A लिख देंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो डेल्टा नेट क्या हो गया, नेट डिविएशन बराबर I प्लस E माइनस A। तो यहां से हमारे पास डेल्टा यानी कि डिविएशन का फॉर्मूला आ गया है, इसको आप अच्छे से नोट कर ले बेटे। तो डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, आई प्लस ई माइनस ए, डिविएशन डेल्टा इज आई प्लस ई माइनस ए, है ना, डिविएशन इन केस ऑफ प्रिज्म। तो आइए अपन एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या क्या पूछा है देखते हैं और सब निकालने की हम कोशिश करते हैं। हमको यहां पर एक इंसिडेंट रे दी है, एक इंसिडेंट रे दी है, कितने एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे।
तो पहले तो हम डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। इंसिडेंट रे जाएगी आगे, यहाँ पे रिफ्रेक्शन होगा तो ऐसे एक लाइट रे जाएगी, ये एंगल जो है इसको हम क्या बोलेंगे आर वन, फिर यहां दोबारा से क्या होगा रिफ्रेक्शन होगा तो इसको क्या बोल देंगे आर टू बोल देंगे, फिर लाइट रे मान लो बेटा यूं चले गई तो ये जो है हमारा ई हो गया, यानी कि एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया। तो हमको आर वन निकालने को बोला है, आर टू निकालने को बोला है, ई निकालने को बोला है और डेल्टा निकालने को बोला है। तो एक काम करते हैं, पहले अपन फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है, पहले अपन फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रेक्शन लगाते हैं, है ना, सॉल्यूशन करते हैं इसका अपन, और फर्स्ट सरफेस पर हम लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन लगाते हैं। तो फर्स्ट सरफेस पर अगर आप ध्यान से देखें तो लाइट रे एयर से रूट टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में एंटर कर रही है, तो अपन लिखेंगे वन इंटू साइन 45 बराबर रूट टू इंटू साइन आर वन, रूट टू इंटू साइन आर वन। और साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2, तो इज इक्वल टू रूट टू इंटू साइन आर वन। तो यहां से हमारे पास साइन आर वन कितना आ गया, साइन आर वन आ गया रूट टू इंटू रूट टू, मतलब 1/2, यानी कि आर वन की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। आर वन कितना हो गया 30 डिग्री। अच्छा, अगर हमको R1 पता है तो क्या हम R2 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, हमको एक चीज पता है A बराबर क्या होता है R1 प्लस R2। A हमको दिया हुआ है कितना 75, तो 75 बराबर R1 कितना है 30 और प्लस R2, तो यहां से R2 निकल के आ गया हमारे पास 75 माइनस 30 यानी कि 45 डिग्री। तो हमने R1 निकाल लिया कितना 30 डिग्री और R2 निकाल लिया कितना बेटे 45 डिग्री। अब हमको क्या बोल रहा है, अब हमको बोल रहा है आप ई भी निकाल के दो। तो अगर आपको ई निकालना है तो आप सेकंड सरफेस पे पहुंच जाओ, सेकंड सरफेस। तो सेकंड सरफेस पे अगर हम रिफ्रेक्शन लगाएं तो क्या लिखेंगे रूट टू इंटू साइन आर टू, आर टू कितना है 45, तो रूट टू इंटू साइन 45 बराबर 1 इंटू साइन ई, क्योंकि लाइट रे बाहर आ गई n बराबर 1 वाले मीडियम में, तो 1 इंटू साइन ई। अच्छा, तो ये हो जाएगा रूट टू इंटू साइन 45 कितना होता है 1/√2 बराबर साइन ई, तो साइन ई कितना आ गया 1, यानी कि ई कितना आ गया 90 डिग्री। ई 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब हमारी जो लाइट रे है ये कैसे गई होगी, क्या ये लाइट रे ऐसे ही गई होगी, नहीं, ये लाइट रे ऐसे गई होगी ऐसे, ये हमने कैलकुलेशन किया तो ई 90 आया, इसका मतलब लाइट रे ऐसे गई और फिर ऐसे गई, तो जो ई है ई, ये ई होगा कितना 90 डिग्री। लाइट रे ऐसे तो हमने अज्यूम करी थी, ये हमारा अज्यूम्ड है, ये कौन सा है अज्यूम्ड, और हमको पता चला फिर कि लाइट रे 90 डिग्री के एंगल पे गई यानी कि ऐसे गई। क्लियर है क्या बात। उसके बाद हमको अगली चीज क्या निकालने को बोला है, डेल्टा निकालने को बोला है, तो डेल्टा निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। डेल्टा हमको पता है, डेल्टा कितना होता है आई प्लस ई और माइनस ए। आई पता है क्या, आई पता है 45। ई पता है क्या, निकाल चुके हैं 90। ए पता है क्या, पता है 75। अरे ठीक है क्या बेटे, तो देखें 45 प्लस 90 माइनस 75 कितना होगा 15 होगा, और 45 प्लस 15 कितना हो गया 60 डिग्री, तो डिविएशन कितना आ गया 60 डिग्री। तो E जो है हमारा सॉल्व करने पर E कितना आया था, सॉल्व करने पर हमारा E आया था 90 डिग्री, और सॉल्व करने पर हमारा डेल्टा कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है क्या बात, जल्दी से नोट कर ले बेटा।